हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 3 रहेगा, जिसमें हम ये करेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कैसे निकाला जाए वो आज हम पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था नॉन यूनिफॉर्म बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म बॉडी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। सेंटर ऑफ मास क्या है, मोमेंट ऑफ मास क्या है, देन द स्टेप्स हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। अगर कोई भी बॉडी दिया होगा, कितना भी हमें उस सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो एन सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो सभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अभी जो हमारा वीडियो रहेगा हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम उसी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा वो हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज दैट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। पहला बात देखिए, जब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बोला कि आपको यह पता चला कि जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, उसी के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लाए, ठीक है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है मतलब जो पॉइंट है वही मेरा ऑब्जेक्ट है, मास पूरा एक छोटा सा पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ठीक है ना। अब मेरे पास बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, हम थोड़ा सा फॉर्मूला रिकैप कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आएगा तो हम क्या बोले कि टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। तो हमारा कुछ ऐसे आया था कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2 है, एक पार्टिकल m3 है, एक पार्टिकल m4, ऐसे करके mn पार्टिकल्स है, लेट इसका जो पोजिशन है आर1 है, इसका है आर2, इसका है R3, इसका है Rn, ठीक है। लेट R1 को हम लिखे हैं, R1 को x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, वैसे R2 लिखे हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, R3 लिखे हैं x3 i कैप y3 j कैप प्लस z3 k कैप, एंड ये लिखे xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप, ऐसे करके हमें पता है, ठीक है ना। तो आपको बोला गया था कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहला स्टेप आपको बोला गया था अटैच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, है कि ना। आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए, चूज कीजिए जिसका ओरिजिन आपका पूरा थ्रू आउट क्वेश्चन के लिए कॉन्स्टेंट रहे, ऐसे बोला गया था स्टेप वन में, है कि ना। तो आपका इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था ना, आर सी ओ एम, आर सेंटर ऑफ मास ना, एम वन आर वन याद होगा आपको, एम टू आर टू प्लस एम एन आर एन डिवाइडेड बाय टोटल मास, एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन। इस हिसाब से हम एक्स कम निकाले थे, y कम निकाले थे, z कम निकाले थे। तो ये x कम का क्या फॉर्मूला था ना, m1 x1 m2 x2, एक मिनट हाँ, सॉरी एक मिनट। तो आपका कुछ ऐसे आया था y कम था सॉरी प्लस mn xn, फिर ये m1 प्लस m2 प्लस mn, वैसे y कम में क्या करेंगे m1 y1 m2 y2 ऐसे करके चलेंगे, समझ लेना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो आपको अभी क्या करना है, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो सारे न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं, बट यहां पे हम क्या बोले कि हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही करेंगे, समझ रहे, एक सिस्टम में सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके करेंगे। दो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो सिर्फ m1 m2 लेंगे, ये सभी रहेगा नहीं, तीन होगा m1 m2 m3 को लेके करेंगे, जितना पार्टिकल्स होंगे उस हिसाब से हम करेंगे, उतना ज्यादा आप मत सोचिए,
समझ रहे ना। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, लिखिए फाइंड द सेंटर ऑफ मास। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम हैविंग मासेस 3 kg एंड 7 kg सेपारेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपारेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम हैविंग मासेस 3 kg एंड 7 kg सेपारेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहां पे क्या है रे भाई, ना पहला है एक पार्टिकल M1 और एक दूसरा पार्टिकल है M2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है रे भाई मेरा, ना 10 मीटर। कुछ समझ आ रहा है? वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको ऐसे, ठीक है ना, गिवन कंडीशंस दे रखा है कि मेरे पास M1 है, मेरे पास M2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर। मैं आपको क्या बोला पहले ना, पहला बात ये हम करेंगे कि देखो आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, पिछला वीडियो आप जाके अच्छे से देख लीजिए, स्टेप्स याद होना चाहिए। पहला स्टेप में क्या बोला कि आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने हैं आपके हिसाब से, जिसके हिसाब से आपको इजी होगा, कन्वीनियंट होगा, बात समझ रहे। तो आपको कन्वीनियंट होना चाहिए। आप बोलोगे सर मैं किसी और को अच्छा लगेगा बोल के, मैं अरे भाई तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेरे को क्या करना है, इस सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जहां पे ओरिजिन को अटैच कर देना है, समझ रहे। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको ही ओरिजिन ले डाला, इसको ही मैंने ओरिजिन ले डाला, दैट इज 0 0 0। तो आप बोलोगे सर वहां पे ही क्यों लिया आप, अरे भाई अगर मैं, आप बोलोगे सर मैं यहां पे ओरिजिन लूंगा, अरे भाई अगर आप यहां पे ओरिजिन लोगे, ये डिस्टेंस आपको पता है कि, ये डिस्टेंस आपको पता है कि, समझ रहे हो बात को, है कि ना। मैं अगर यहां पे ओरिजिन लूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस पता है, मैं अगर यहां पे लूंगा मेरे को ये डिस्टेंस के लिए मेरे को माथा गर्म करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ करे कि जल्दी बन जाए, हम भी खुश, वो भी खुश, मास्टर भी खुश, सब खुश, समझ रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि आप ऐसा जगह पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच करो जिसके हिसाब से आपको अच्छा लगे, आपको इजी हो। आप क्यों अपना दिमाग खराब करेंगे, इधर पैसा भी देके पढ़ो ट्यूशन में और दिमाग भी खराब करो, ये काहे का बात है भाई, समझ रहे हो। तो बताइए, तो यहां पर नहीं लेना, कहां पर लेना है हमें ना, कोई भी एक मास पे। तो पहला बात याद रखिए, अटैच द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सीएस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब COM हम लेते हैं ऐसे, हाँ, अटैच द कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां पे, टू ए पॉइंट मास, जिसके हिसाब से इजी हो जाएगा आपको। आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट मास को सेंटर ऑफ ओरिजिन ले लेना, ठीक है ना, ओरिजिन ले लेना। तो अटैच द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू ए पॉइंट मास, अटैच द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और भी अच्छे से लिख लेंगे, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू ए पॉइंट मास, दिस विल बी बेटर, ठीक है। तो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका ओरिजिन कोई भी एक पॉइंट मास को अटैच कर दो, तो 0 0 0 हो जाएगा। अब बताओ यहां से 10 मीटर का दूरी है, तो अब बताओ अगर ये एक्स एक्सिस लेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 10 0 0, क्या मेरा बात सही है, क्या मेरा बात सही है, हाँ कि ना। तो अब बताओ, अब M1 कहां पे है, X1 Y1 Z1, हाँ कि ना। M2 कहां पे है, X2 Y2 Z2। X1 का कितना वैल्यू 0, Y1 का कितना वैल्यू 0, Z1 का 0, X2 का 10, Y2 का 0, Z2 का 0। चलिए M1 कितना 3 kg, M2 कितना 7 kg, हाँ कि ना रे। अब बताओ X कम कितना होगा रे भाई,
ना एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू। हाँ कि ना रे, सब पता है। अब बताओ वाई कम क्या होगा, ना एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू बाई एम वन प्लस एम टू। तो एक्स कम आएगा वाई कम आएगा, खत्म। हाँ क्या, अब बताओ ये कितना आ रहा है, थ्री जीरो प्लस सेवन जीरो, सॉरी थ्री जीरो सेवन कितना है, एक्स टू कितना है दस। हाँ कि ना, एक्स टू कितना है दस बाई दस, ठीक है समझ रहे हो। तो कितना आया एक्स सेंटर ऑफ मास, कितना आ रहा है बताइए, सेवेंटी बाई टेन तो सेवन। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आया, सेवन मीटर। वाई सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, जीरो। कैसे ना, वाई वन जीरो जेड वन जीरो सॉरी वाई वन जीरो वाई टू जीरो जीरो जीरो, समझ रहे हैं, तो जीरो है ना। वैसे जेड सी एन कितना आएगा, जीरो। ना नहीं समझ रहे हो रे, है ना, क्वेश्चन समझ आ गया। तो हम क्या सीखे यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या सीखे यहां पे कि हमें हमेशा क्या करना है, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लेना है उसका ओरिजिन को कोई भी एक पॉइंट मास के ऊपर अटैच कर देना, कोई भी एक पॉइंट मास, ठीक है ना। तो उस वो आप देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है अच्छा बात है, नहीं दे रखा वो अपने हिसाब से आप लीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा, समझ रहे ना। तो जब तक वो अपन देखो बात समझो, जब तक क्वेश्चन में दे रखा होगा कि यहां पे ओरिजिन लेके बनाओ, तब तक आप वही लेंगे, आप तभी अपने हिसाब से लेंगे, आप मनमानी कब करेंगे, जब हमें रूल्स नहीं पता होगा। मास्टर क्लासरूम में होगा आके आप वहां पे मनमानी करेंगे तो क्या करेंगे, लतिया खाएंगे आप लोग, ना नहीं समझो। बात समझो, जहां पे क्वेश्चन में दे रखा है ओरिजिन, आप वहां पे ओरिजिन लेंगे, अगर ओरिजिन नहीं दे रखा होगा देन आप क्या करेंगे, आप अपने मर्जी से लेंगे, ऐसे लेंगे कि आपको इजी होगा, समझे, ऐसा लेंगे कि आपको इजी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, लिख लेंगे ठीक है ना, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड क्वेश्चन नंबर टू, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कंटेनिंग थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल एल एट उसका साइड दिया है एल, ठीक है, ऑफ साइड एल। तो आपको डायग्राम बनाएंगे तो आपको डायग्राम कैसे मिलेगा रे भाई, ना कुछ ऐसे दिया है डायग्राम लेट, ठीक है, या तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये अगर एक मास होगा, ये एक मास होगा, ये एक मास होगा, है कि ना, सो लेट ये एम वन होगा तो ये एम टू होगा, ये मेरा एम थ्री होगा, बट इन द क्वेश्चन गिवेन द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या ना, इसका अगर मास एम है तो इसका भी मास होगा एम, इसका भी मास होगा एम, एंड इफ दिस पॉइंट इज ए दिस इज बी दिस इज सी, ये एल होगा ये एल होगा ये एल होगा। कुछ समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना बोलो, कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए पहला स्टेप क्या है, आपको यहां पे ओरिजिन नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, ओरिजिन लेना है, कहां लेंगे बताइए, आप अपने हिसाब से लेंगे, आप कहां पे लेना चाहते हैं बोलिए, ए में बी में सी में। मैं क्या बोला था पहला क्वेश्चन में, अटैच द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू ए पॉइंट मास, आप इधर ए में अटैच करो या तो बी में या तो सी में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए में अटैच किया, तो दिस इज ओरिजिन, तो ये मेरा होगा एक्स एक्सिस, ये मेरा होगा वाई एक्सिस, इधर होगा जेड एक्सिस, ठीक है जेड एक्सिस। तो ये मेरा जो पॉइंट होगा कहां पे होगा, ना एक्स वन वाई वन जेड वन, हाँ कि ना, ये कहां पे होगा x2, y2, z2, ये कहां पे होगा x3, y3, z3,
अब बताइए x1 का वैल्यू कितना होगा? तो मैंने m1 लिया, m2 लिया, m3 लिया, तो x1, y1, z1, x2, y2, z2, हाँ कि ना रे भाई, y2, z2, x3, y3, z3, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए x1, y1, z1, यहां ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन में सबका वैल्यू जीरो, हाँ कि ना, तो ये मेरा जीरो जीरो जीरो, ये मेरा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। अब ये मेरा x एक्सिस में y एक्सिस एंड z एक्सिस का वैल्यू जीरो ना, तो मेरा ये y2 क्या होगा, जीरो, z2 क्या होगा, जीरो, x2 क्या होगा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है l, कुछ समझ रहे हो रे, हाँ कि ना। अब बताइए x3, ये मेरा है ना कोऑर्डिनेट, तो ये x3 होगा, अरे भाई यहां पे कैसे पहुंच हो गया, जब आप ऐसे आके फिर ये जाओगे, तो दिस इज y3, दिस इज y3, दिस इज x3, y3 मतलब क्या, परपेंडिकुलर ना, है कि नहीं, दिस परपेंडिकुलर इज y3, दिस इज x3, तो x3 कितना होगा l बाई टू, हाँ कि ना रे, एंड y3 कितना होगा, y3 अगर ये l है, ये l बाई टू, ये l बाई टू, समझ रहे हो, तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, बेस का स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा कितना ना, रूट थ्री एल बाई टू, कुछ याद है ना, नहीं रे, ये होगा कितना, जीरो, सही है ना, कुछ प्रॉब्लम है बताइए, तो एम वन एम टू एम थ्री आ गया, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक्स कम लाएंगे, वाई कम लाएंगे, जेड कम लाएंगे, तीन पार्टिकल है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स कम क्या आएगा, हाँ बताइए, एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम थ्री एक्स थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, सही है रे भाई, हाँ कि ना, बोलो, वैसे आप क्या करेंगे, वाई कम लाएंगे, हाँ कि ना, तो वाई कम लाएंगे, क्या आएगा, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अरे भाई कुछ नहीं करना, ये x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू यहां डालना है, सॉल्व करना है। तुम्हें m1 क्या दिया है रे, m दिया है, m दिया है, m दिया है। अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे, देखो इसको मैं कर लेता हूं, एक को, ठीक है, इसको मैंने कर लिया, x कम क्या आ गया बताइए, m1 m x1 जीरो, m इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, हाँ कि ना, प्लस m2 कितना, m, x2 कितना, l, तो m इंटू l ml, ठीक है, प्लस m3 कितना, m, x3 कितना, l by 2, तो m into l by 2, तो m1 plus m2 plus m3, अगर m1 plus m2 plus m3, तो m plus m कितना, 3m, तो mm देखो क्या हो जाएगा, ना x कम क्या हो गया रे भाई मेरा, ml, ml by 2, तो कितना हो जाएगा, 3ml by 2 by 3m, 3m, 3m कटेगा, तो बचेगा l by 2, तो x कम आ गया कितना, l by 2, कुछ समझ आ रहा है, हाँ कि ना, बोलो, वैसे आप y कम लाएंगे एंड z कम लाएंगे, कुछ समझ आ रहा है रे, हाँ कि ना, तो आप बोलोगे सर r कम कैसे लाएंगे, अरे भाई आपको बोला था मैंने, तो आप अगर आपको x कम y कम z कम पता होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, r कम, ठीक है ना, x सेंटर ऑफ मास i के, y सेंटर ऑफ मास j के, z सेंटर ऑफ मास k के, करने हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, ना नहीं समझे रे, क्लियर ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, ठीक है, लिख लो पहले इसको, लिख लो, सेम क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, क्या क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है, कंटेनिंग थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो आप क्या करेंगे आज, बहुत सारा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लेके कर सकते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल में ले लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेंगे, कुछ भी मास का वैल्यू ले लेंगे, 5 kg, 6 kg, 7 kg, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ, ठीक है, देन आप क्या करेंगे, आपको फिर से क्या करना है, रेक्टेंगल ले लेना है, मास ले लेना है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना है, हेक्सागन ले लेना है, पेंटागन ले लेना है, कुछ भी लेके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर करो, ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट,
प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड, राइट एंगल साइड ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर, ठीक है ऐसे दिया। तो चलिए तो फिगर क्या दिया है इसको आप सॉल्व कीजिएगा प्लीज, अब भी करेंगे अब बीच के अब बीच। ये दिया है मेरे को M1, M, M2, M, M3, M, ठीक है ऐसे दिया है कुछ। तो मेरे को ये जो साइड दिया है 3 मीटर, ये जो साइड दिया है 4 मीटर, तो अल्टीमेटली दिस विल बी 5 मीटर, है कि ना 5 मीटर होगा, आप मानो या ना मानो, ठीक है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। तो आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है, करके बताइए। चलिए 2 मिनट आपका है, ठीक है हो गया, पॉज कर लो भाई, पॉज कर लो, ठीक है 2 मिनट तक पॉज कर लो। चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है देखो अब बताइए। मैं पहला स्टेप आपको क्या बोला था, ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन को अटैच करेंगे, कहां पे अटैच करेंगे, हाँ जी ना, तो ये मेरा होगा एक्स एक्सिस, ये मेरा होगा वाई एक्सिस, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 0 0 एक्स टू वाई टू जेड टू, हाँ कि ना, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बताइए ये कितना मीटर है, 3 मीटर, हाँ कि ना, तो एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, तो 3 मीटर होने से एक्स थ्री कितना 3, वाई जीरो जेड जीरो, हाँ कि ना, एक्स एक्सिस में वाई एंड जेड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स वन वाई वन जेड वन, अब बताइए x1 जीरो क्योंकि y एक्सिस में है, हाँ कि ना, जीरो, y1 कितना होगा 4, हाँ कि ना रे, y में 4 z में 0। चलिए सॉल्व कर लिए, हो जाएगा ना अभी ना, नहीं रे बताइए क्या लिखेंगे ना, x कॉम m1 कितना है m0 प्लस m2 कितना है m0, हाँ कि ना, x2 m3 कितना है m, x3 है 3 प्लस m into 3 डिवाइडेड बाय 3m क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल बोला है, तो x कम कितना आ गया बताइए, 3m बाय 3m, तो हाउ मच 1 मीटर, चलो ठीक है। अब y कम क्या हो जाएगा बताइए, z कम क्या हो जाएगा, आएगा ना भाई, यहां के नारे इजी है यार, इजी है, ठीक है तुम्हें बस ये जानना है कि मैं ओरिजिन को कहां पे लूंगा, अगर आप ओरिजिन को ले लिए हो गया उतना क्या टेंशन है, ओरिजिन को बस लेना है, ओरिजिन को कोई मास पे अटैच कर देना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा होमवर्क दिया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस आप कीजिएगा, लिख लो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द गिवन फिगर्स, ठीक है या आप घर पे करेंगे, ठीक है आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या तो जो नंबर दे रखा गया आप वहां पे भी पिंग कर सकते हैं, ठीक है व्हाट्सएप पे, ठीक है आजकल तो सिग्नल भी आ गया, ठीक है सिग्नल टेलीग्राम क्या क्या आ रहा है, या सोशल मीडिया इतना जोर से कंपटीशन चल रहा है ना मार्केट में, मत बोलो यार। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, कर लेना आज आप लोग बैठ के घर पे शांति से, परेशान मत करना मम्मी पापा को। अब बताइए ये ए बी सी डी एम एम, ठीक है एम टू एम 3m, 4m, ये साइड दिया है A, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, m1 2m, m2 5m, m3 6m, चलिए m equals to 2 kg दिया है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, ये लेट 2 मीटर है, ये लेट 6 मीटर है, ठीक है ये लेट A है, B है, C है, D है, ठीक है ना भाई। तो ये थोड़ा देख लेंगे आप लोग, तो ये दिया है यहां पे 2 kg, यहां पे 3 kg, यहाँ पे 8 kg, यहाँ पे 9 kg,
तो इसको भी बनाना, ये तीन क्वेश्चन आप लोग बना लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, ठीक है, जो करना है करो यार, बस आंसर करो, मम्मी पापा परेशान मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब बताइए, आपको बोला गया कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्लास बंद करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर लास्ट को हम थोड़ा एंट्रांस लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे, जेई एडवांस का, ठीक है, पूरा अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन बनाएंगे मिसेलेनियस, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोला है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैविंग मासेस एट केजी एंड 10 केजी एट 2, 3, 4 एंड 5, 8, -9 ये मीटर है, ये मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये दिया है तुम्हें, तो बताइए करेंगे क्या आप लोग भाई। ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, M1 का पोजीशन क्या है ये, M2 का पोजीशन क्या है ये, तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो M1 कितना है 8 kg, M2 कितना है 10 kg, हाँ किनारे समझ रहे हो ना, कुछ इधर उधर का मत सोचो, ठीक है, बाद में गर्लफ्रेंड के बारे में बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना, अब पढ़ लो, ठीक है, जो बोला जा रहा है उसी स्टेप्स को याद रखो। अब M1 कितना 8 kg, M2 10 kg, ठीक है ना। अब बताइए ये क्या दिया, X1 Y1 Z1, तो X1 कितना है भाई 2, 3, 4 दिया है ना भाई, ये X2 Y2 Z2 क्या दिया होगा ना, ये 5, 8, -9 हो जाएगा ना, सिंपल है रे भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ठीक है, लिख लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे, उड़ाओ जल्दी उड़ा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, x कम क्या है, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस MN XN डिवाइडेड बाय M1 प्लस टोटल मास, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो स्टेप्स याद रख लो यार, जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब बताइए लास्ट क्वेश्चन, इफ द पोजिशन वेक्टर वेक्टर ऑफ 3 kg मास इज 2ik प्लस 3jk प्लस 8kk एंड दैट ऑफ 5 kg मास 5 kg मास इज -3ik प्लस 2jk -4kk देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, तो समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना बोलो, समझ रहे हो। देखो अब बताओ M1 क्या है 3 kg, M2 क्या है 5 kg, हाँ कि ना। अब आपको बोला गया था R1 दिया होगा, R1 कितना दिया है बताओ, R1 कितना दिया है 20, हाँ कि ना, 3 kg के लिए 20, 5 kg के लिए 20, हाँ कि ना, 5 kg के लिए क्या दिया है 20, ठीक है। तो R1 क्या दिया है बताइए, 2ik प्लस 3jk प्लस 8kk, R2 क्या दे रखा है रे भाई, -3ik प्लस 2jk -4kk, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो कुछ। अब तुम्हें बोला गया क्या, ना आर कम इक्वल्स टू क्या है ना, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इतना ही है बस खत्म। R1 का वैल्यू डालो, R2 का वैल्यू डालो, अब बोले सर ऐसे डाले, हाँ भाई डालेंगे, हमें क्या मतलब, देखो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा,
अरे हमें जो फॉर्मूला मिला वही करेंगे ना हम अपने मर्जी। हम बोले सर कॉम्प्लिकेटेड। अरे आएगा आएगा तो हमें क्या करना है, समझ रहे हो? हमें जैसे पढ़ाया गया वैसे कर लेंगे, समझ रहे हो? अब बताइए यहां पे क्या होगा। M1 कितना दिया है 3 kg, R1 2i k + 3j k + 8 है ना, 2i k + 3j k + 8 k + M2 कितना है 5, R2 कितना है -3i k, हाँ +2j k - 4 kk, डिवाइडेड बाय 3 + 5 कितना 8 हो गया। अरे भाई अब सॉल्व करो, सॉल्व करना क्या है? अरे भाई मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन जो करना है करो, ठीक है? अब बताइए 3 × 2 = 6i k, 3 × 3 = 9j k, 3 × 8 = कितना 24 kk, तो 6i k + 9j k + 24 kk प्लस ये 5 - 3 कितना होगा -15i k, हाँ कि ना रे? तो ये कितना +10j k - 20 kk डिवाइडेड बाय 8। तो i k मिलाएंगे -15 + 6 तो -9i k, 9j k तो +19j k, 24 तो +4 kk डिवाइडेड बाय 8। दिस इज आउटकम, यही आंसर है मेरा। कुछ इधर उधर मत करना, एक्स्ट्रा मत सोचना कुछ, ठीक है? एक्स्ट्रा सोचोगे एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। तो प्लीज जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए, अच्छे से कीजिए, होप आपको समझ आ रहा है। एंड प्लीज 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 आप कोई भी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एंड दूसरा बात, जब तक आप अच्छे से रिविजन नहीं करेंगे तब तक आपका अच्छा सा मार्क्स नहीं आएगा। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो आप रिविजन अच्छे से करो प्लीज, बिना रिवीजन का आपको अच्छे स्कोर्स नहीं मिलेंगे प्लीज। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जितना भी अच्छा पढ़ लो जो भी पढ़ना है पढ़ लो, बट अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं किए तो नहीं होगा। तो आप जो भी पढ़ना है पढ़ो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ स्टोरी पढ़ रहे हो, जो पढ़ना है पढ़ रहे, अगर आप उसी चीज को एक दो बार रिवाइज कर लिए अच्छे से देन अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपका, समझ रहे? तो प्लीज आप जो भी पढ़ रहे हो आज 2-3 दिन के अंदर उसको रिवाइज कीजिए, फिर से 2-3 दिन के अंदर उसको, मतलब 1 महीने में उसको होगा तो 2-3 बार रिवीजन करिए। अगर आप 1 महीने में एक बार अच्छे से पढ़ के 2-3 बार रिवाइज करते हैं देन ओनली आपको 6 महीना तक याद रहेगा, ठीक है? सो प्लीज आप अच्छे से जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए रिपीटेडली, ठीक है? सो होप आपको समझ आ रहा है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।